नमस्कार, जेबीजा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साक्षी टुटेजा। सूर्य मंदिर के बारे में तो आपने काफी सुना होगा और देखा होगा, लेकिन बिहार की और औरंगाबाद जिले का ये मंदिर काफी कुछ खास बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के द्वार पश्चिम की ओर खुले हैं और साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। क्या है इस मंदिर की खास बात, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। हम आपको बता दें कि इस मंदिर के निर्माण का स्पष्ट कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, मगर कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1.5 लाख वर्ष पूर्व किया गया था। छठ पर्व के मौके पर यहां लाखों लोग भगवान भास्कर की आराधना के लिए जुटते हैं। ऐतिहासिक त्रेता युगीन पश्चिमा भुख सूर्य मंदिर अपने विशिष्ट कलात्मक भव्यता के साथ साथ अपने इतिहास के लिए भी विख्यात है। औरंगाबाद से 18 किलोमीटर दूर देव स्थित सूर्य मंदिर करीब 100 फीट ऊंचा है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। 1.5 लाख वर्ष पुराना ये मंदिर काले और भूरे पत्थरों की नायाब शिल्पकारी से बना हुआ है। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से मिलता जुलता है। मंदिर के निर्माण काल के संबंध में मंदिर के बाहर लगे एक शिलालेख पर लिपि में लिखित और संस्कृत में अनुदित एक श्लोक के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 12,16,000 वर्ष त्रेता युग के बीत जाने के बाद इलापुत्र पुरिलालेख से पता चलता है कि सन 2018 ईस्वी में इस पैराणिक मंदिर के निर्माण काल को 1,50,017 वर्ष पूरे हो गए। देव मंदिर में 7 रथों से सूर्य की उत्कीर्ण पस्तर मूर्तियां अपने तीनों रूपों उदयाचल, मध्याचल और अस्ताचल सूर्य के रूप में विद्यमान है। पूरे देश में यही एकमात्र सूर्य मंदिर है जो पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। करीब 100 फीट ऊंचा और ये सूर्य मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। बिना सीमेंट या चूना गारा का प्रयोग किए आयताकार, वर्गाकार, अरवाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार आदि कई रूपों और आकारों में काटे गए पत्थरों को जोड़कर ये मंदिर बनाया गया है। देव सूर्य मंदिर देश के धरोहर एवं अनूठी विरासत है। हर साल छठ पर्व पर यहाँ लाखों श्रद्धालु छठ करने झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त मन से इस मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जनश्रुतियों के मुताबिक एक राजा एल एक बार देव इलाके के जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने के समय उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने आदेशापाल को लोटा भर पानी लाने को कहा। आदेशापाल पानी की तलाश करते हुए एक पानी भरे गड्ढे के पास पहुंचा। वहां से उसने एक लोटा पानी लेकर राजा को दिया। राजा के हाथ में जहां जहां पानी का स्पर्श हुआ वहां का कुंड ठीक हो गया। राजा बाद में उस गड्ढे में स्नान किया और उसका कुंड रोग ठीक हो गया। उसके बाद उसी रात जब राजा रात में सोए हुए तो उन्होंने सपना देखा कि जिस गड्ढे में उन्होंने स्नान किया उस गड्ढे में 3 मूर्तियां हैं। राजा ने फिर उन मूर्तियों को एक मंदिर बनाकर स्थापित किया। कार्तिक एवं चैत महीने के छठ करने कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। यहां मंदिर के समीप स्थित सूर्यकुंड तालाब का विशेष महत्व है। इस सूर्य कुंड में स्नान पर व्रती सूर्यदेव की आराधना करते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे भगवान को घंटी बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पुजारी भगवान को नहलाते हैं, ललाट पर चंदन लगाते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। भगवान को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुनाया जाता है। यूं तो साल भर देश के विभिन्न जगहों से लोग इस मंदिर में आते हैं और मनौतियां मांगते हैं, लेकिन छठ के मौके पर यहाँ खूब भीड़ जुटती है। मनौती पूरी होने पर यहाँ लोग सूर्यदेव को अग्नि देने भी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JP7 न्यूज।